अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टेक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। व्यूअर्स, ब्रास टेक्स ने नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया था, मैं आपको बताती चलूं कि आज उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, यानी आज हम उस सिलसिले की आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने इस तवील सिलसिले में जितनी भी प्रेडिक्शंस की, आज हम उनको कंक्लूड करेंगे। आइए जानते हैं जैद साहब, क्या आज लास्ट एपिसोड में वो हमें क्या बताएंगे। जी जैद साहब, देखिए मारुख, जैसे आपने फरमाया कि ये नेमतुल्लाह शाह वली के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने जो प्रेडिक्शंस की, ये वाजे हम करने बात कि ये ना तो इल्म नजूम के तहत हैं, ना ये वो हिसाब किताब उस कस्म का है कि जिस तरह नजूमी करते हैं। ये एक अल्लाह के वली की, एक दरवेश की फिरासत है, उस पर इल्हाम है, उसका वो विजन है जो अल्लाह की तरफ से उसको दिखाया और बताया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह की खुशखबरियां, बिशारतें और आने वाले वाकयात के बारे में उम्मत को खबर दी है, और हमारे तमाम बुजुर्गों ने भी। यानी जो मुसलमान तारीख में इस तरह की बहुत मिसालें मिलती हैं कि जो अल्लाह की तरफ से बुजुर्गों को कहीं ख्वाब में, कहीं मुशाहदे में, कहीं इल्हाम के जरिए अल्लाह ने उनकी रूहानी बुलंदी के मुताबिक उनको उन खबरों से आगाह किया कि वो मुसलमानों को जाके बेदार करें, आगाह करें, खुशखबरियां दें। और ये बातें सिर्फ हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने नहीं की हैं, बहुत बुजुर्गों ने की हैं। हम आज नेमतुल्लाह शाह वली को कंक्लूड भी करेंगे और इसको ये देखेंगे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका की हैं, वो नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस या नेमतुल्लाह शाह वली के कहे से कितनी मुताबिकत रखती हैं, कंट्रडिक्ट करती हैं या एन उसके मुताबिक हैं। हमारा रेफरेंस और बेंचमार्क हुजूर की अहादीस मुबारका है। जो बात हुजूर की हदीस के मुताबिक होगी हम कबूल कर लेंगे, वो गलत हो ही नहीं सकती, और जो हदीस से मुखालफत करेगी हम उसको रद्द कर देंगे। नेमतुल्लाह शाह वली ने वैसे तो जमाने के बिल्कुल आखिरी हद तक बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस की हैं, जिसके अंदर दज्जाल की आमद, उसके बाद एक बहुत बड़ी आर्मागेडन, एक बहुत बड़ी जंग जिसके अंदर, जिसको हर्मजदून कहते हैं, जिसमें बेइंतहा इंसान मारे जाएंगे, आखिर में जाके वो इंग्लिस्तान और अमेरिका की तबाही का जिक्र भी करते हैं, और एक बहुत सिलसिला है तवील अरसे तक जिसके बारे में उन्होंने बातें बताई हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, हम उस तक नहीं जाएंगे। हम वहां पर रुकेंगे कि जहां पर वो गज़वा हिंद की बात करते हैं, इंडिया कैप्चर करने की बात करते हैं। पिछले प्रोग्रामों में हमने मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से ये बात कही थी कि आज की दौर की जियोपॉलिटिक्स भी बिल्ड इसी बात पर हो रही है कि पाकिस्तान को एक रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाकर इंडिया के साथ हमारा एक फाइनल शोडाउन होगा, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक से तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, इंडिया के साथ रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। इस बात के बावजूद कि बड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और बड़ी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं, हुक्मरान हमारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ एक क्रिकेट मैच भी होता है तो पानीपत की चौथी, पांचवीं, छठी लड़ाई होती है वो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। जिस तरह वो पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह वो बलूचिस्तान में बगावतों को बर्पा कर रहे हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज में तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सिंध में और सराइकी इलाकों में बगावतों को बर्पा कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने अपने दहशतगर्द दाखिल किए हुए हैं, अब कोई उम्मीद और चांस इस बात का नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो जो अल्टीमेट शोडाउन होना, नेमतुल्लाह शाह वली ने एग्जैक्टली वही बात की है कि इस खित्ते के मुसलमान, गर्बिस्तान के मुसलमान, मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान को फातेहाना फतह करेंगे। और वो ये कहते हैं कि फतह याद शाह गर्बिस्तान बजोर तीर होते कौम काफिरा शिकस्त बेगुमा पैदा शवा। गर्बिस्तान का बादशाह हथियारों, ताकत और तलवार की जोर पर हिंदुस्तान फतह करेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी कि उसके वहमो गुमान से भी बाहर है। ये जो कश्मीर बजोर शमशीर का नारा लगाया जाता है मुजाहिदीन की तरफ से, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीर का फैसला, हिंदुस्तान का फैसला बजोर शमशीर होगा। और जब ये बात बिल्कुल बात है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी और हमारे आजकल के हालात और नेमतुल्लाह की प्रेडिक्शंस के लिहाज से भी, अगली बात जब नेमतुल्लाह कहते हैं कि जिस चाहे वो मुसलमान, वो मुजाहिद, वो गर्बिस्तान का बादशाह जो हिंदुस्तान कैप्चर करेगा, उसकी हुकूमत 40 साल तक हिंदुस्तान पर रहेगी, यानी उसका बहुत तवील अरसा, चाहे वो खुद हो या उसका खानदान हो, इसके बेटे हो, लेकिन वो डायनेस्टी जो है ये बाकायदा वो जिक्र करते हैं, 40 साल ई ब्रदर इमान दौरा शहरियार मी बीनम, ए मेरे भाई मैं 40 साल तक उस बादशाह का हुक्मरान, उसका रूल, उसकी हुकूमत देखता हूं, और ये मैं देख रहा हूं कि तकदार का जो हल्का है, यानी वो डायनेस्टी जो है, चाहे वो या उसका बेटा या उसकी फैमिली वाले या वो हुकूमत जो कायम की जाएगी, 40 साल तक उसको रूल करेंगे। और उसके बाद वो ये कहते हैं, देखिए एक फैसिनेटिंग, और ये हदीस शरीफ से जब हम आपको रिलेट करके दिखाएंगे तो यू विल बी अमेज्ड एट दिस। नेमतुल्लाह कहते हैं, गलबतुल इस्लाम बादशाह ताचेहल दर मुल्क हिंद बाद अज़ान दज्जाल हम अज़ इस्फहान पैदा शवाद। इस्लाम का गलबा हिंदुस्तान में 40 साल रहेगा, उसके बाद ईरान के शहर इस्फहान से दज्जाल का जहूर होगा।
یعنی دجال کے ظاہر ہونے کا ٹائم وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کیپچر ہونے کے بعد دجال وہاں سے ظاہر ہوگا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ از برائے دفعہ دجال می گویم شنو عیسیٰ آئے مہدی آخر الزماں پیدا شود کہ پھر دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزماں ظاہر ہوں گے right. یعنی یہاں پر ہم رک جائیں گے ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے کی بات کیونکہ نعمت اللہ اس کے بعد بتاتے ہیں بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بڑے بڑے آرمگیڈن اور بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے لیکن ہم اس پہ نہیں جا رہے ہم رک رہے ہیں اس وقت اس پوائنٹ پہ کہ جو انڈیا کیپچر کرنے کی بات ہے right. اب یہ دیکھیے نعمت اللہ کے مطابق انڈیا کیپچر کیا جائے گا ہندوستان ماشاءاللہ پورا پاکستان بنے گا اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور پھر یہ فوج جب دیکھیے اس کے بعد دجال ظاہر ہونے کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد مہدی کے آنے کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو کامن سینس بھی کہتی ہے کہ جو مسلمان فوج ہے پھر یہ پلٹے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے دجال کے خلاف جنگ کرے گی دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سے اب آئیے اور اس کے بعد نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اے نعمت اللہ خاموش باش نعمت اللہ اسرار حق مت مکن فاش اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ اللہ کے راز مت کھولو اپنے آپ کو انہوں نے چھوٹی سی کہ ساری باتیں تو کھول چکے ہو صحیح. اب چپ ہو جاؤ یہاں پہ نعمت اللہ کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں لیکن اس کو ہم سپورٹ کس طرح کریں گے احادیث شریف سے یہاں پر غیر معمولی احادیث سے مبارکہ ہیں کہ جو احادیث کی وہ کتابیں جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں جو آخری دور سے متعلق ہیں بالکل. مختلف کتابوں میں مختلف احادیث روایت کی گئی ہیں ہم چند احادیث یہاں کو یہ بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی سب کے لیے کہ ایک ریلیونٹ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نعمت اللہ نئی باتیں کیا کہیں بالکل آپ اگزیکٹلی دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے یہ حدیث حضرت صفان بن عمر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں پکڑ کر جکڑ کر لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا جب یہ پلٹیں گے واپس آئیں گے یہ مجاہدین تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے اب دیکھیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس میں انہوں نے وقت کا تعین نہیں کیا ہے ہندوستان کیپچر ہونے کے کتنے سال کے بعد لیکن واقعہ کا سیکوینس ایگزیکٹلی وہی ہے بالکل سیکوینس وہی ہے کہ پہلے ہندوستان کیپچر کیا جائے گا پھر یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے فلسطین جائیں گے یا دجال ضرور ہوگا اس کو مور ڈیٹیل میں یہاں پر ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو نعمت اللہ شاہ ولی فرما رہے ہیں ایک اور حدیث ہے یہ جو حضرت نعیم بن حماد نے اپنی کتاب کتاب الفتن میں روایت کیا ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ مجاہدین اس ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے یہ بالکل ذکر انہوں نے کیا تھا بیڑیوں کا بھی انفیکٹ کیا بیڑیوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ اس جہاد عظیم کی برکت سے مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے یعنی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا وہ ایگزیکٹلی وہی سیکوینس ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکست فتح عطا فرما دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ابو ہریرہ آزاد ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا یا رسول اللہ اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں حضرت ابو ہریرہ کی خواہش تھی کہ شاید ان کی زندگی میں یہ ہو اور وہ ہندوستان کیپچر کریں پھر واپس پلٹیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے اور ان کو بتائیں کہ میں حضور آپ کا حضور کا صحابی ہوں اس راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا بہت مشکل یعنی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا حضرت صوبان سے روایت ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں دو ایسے گروہ ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر دیا جہنم کی آگ سے ایک گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا اب یہ باتیں دیکھیے اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ احادیث مبارک ایگزیکٹلی وہی بات احادیث میں جو آئی ہے نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کی سو And that is why we say کہ نعمت اللہ کو we take it very seriously and we need to build on the basis of the spiritual intelligence ہمیں اپنی military strategy build کرنی ہے اگر آپ مسلمان دنیا میں اس بات کو عام کر دیں کہ ہندوستان کی فتح کرنے میں اجر ہے ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے میں اجر ہے یہ امت مسلمہ کا بدترین دشمن ہے یہ مسلمانوں کا بھی چاہے وہ عرب ممالک ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے سینٹرل ایشین ہوں جو بدترین دشمن ہنود اور یہود the Zionists of both axes
द ज्यूइश ज़ायनिस्ट एंड द हिंदू ज़ायनिस्ट, ये वो जो इंसानियत के भी दुश्मन है, अपनी कौम के दुश्मन भी हैं और मुसलमानों के भी दुश्मन है, इनसे तिजारत करने में अजर नहीं है, इनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में अजर नहीं है, इनको कैप्चर करने में, क्योंकि आपको रिजल्ट पता है उसका और हमें रिजल्ट भी मालूम है और हमको ये भी मालूम है कि कभी इनके साथ दोस्ती हमारी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, इस सारे राज के लिए, इस सारे खेल के लिए अल्लाह ताला ने जिस मुल्क को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर बनाया है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान, नो डाउट। अब ये बात जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम नेमतुल्ला शाह वली के हवाले से नहीं कर रहे, यानी हम अब कुछ बुजुर्गों के हवाले से बात करेंगे जो आजकल के कंटेम्प्रेरी हैं, हमारे आसपास के ऐसे एस्टेब्लिश और ऐसे लोग हैं कि जिनकी क्रेडिबिलिटी डाउट नहीं की जा सकती, जो अल्लाह के वली हैं, जिनके माशाल्लाह आज भी पाकिस्तान में जिनका बेइंतहा फैज जारी है, जो वक्त के औलिया हैं मुख्तलिफ ड्यूटियों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन सबके सब उस रूहानी दुनिया से कनेक्टेड, अल्लाह के राजों में सिर्फ राज जानने वाले, अल्लाह खुद वो बंदे जो खुदी के तर्जुमा भी हैं, खुदा के राजदार भी हैं, वो लोग जो अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ ड्यूटीज पे मामूर किए जाते हैं इस रूहानी निजाम को चलाने के लिए, उन बंदों में एक बहुत ही नेक मुबारक वजूद सूफी बरकत अली साहब का है। राइट, उनकी ये किताब भी अभी लेटेस्ट शाया हुई है, मुहिब पाकिस्तान के नाम से, यानी लवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, मुहिब्बे पाकिस्तान। सूफी बरकत अली साहब फैसलाबाद के पास समुद्री रोड पे दारुल एहसान के नाम से आपका एक मकाम है, वहीं पे आपका मजार भी है। सही। और जो फैज आपका किस दौर में आया, अभी 91-92 में इंतकाल किया, अभी लेते हैं। राइट राइट राइट। और इतना खूबसूरत फैज इनका फैला और उनके इसके बारे में तो दुश्मन भी कहते हैं, इनके मुखालफत करने वाले भी, कि अल्लाह के वली फकीर दरवेश। सूफी बरकत अली साहब के हम अल्फाज आपको सुनाते हैं जो इस किताब में उन्होंने कोट किए हैं, और उनके तमाम जिनसे वाबस्ता अफराद हैं वो जानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि ये खुद अपनी जबान से उन्होंने बात की है, दीवाने का हवाला दिया है, लेकिन है इनके अल्फाज, कहते हैं कि एक दीवाना के जंगल में तिनके चुन रहा था और कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे, अक्वामे मुत्तहिदा फैसला करने से पहले पाकिस्तान से पूछेगी कि हम इस काम को करें या हम उस काम को न करें। उनको 91 में आपका इंतकाल हुआ, कहते हैं कि बंदे पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये आवाज मकतूब कर दी गई है, लिख दी गई है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है इनका, ये कहते हैं कि ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरी सदा नहीं है। ये भी पोएट थे, इन्होंने शायरी भी थोड़ी सी की। अच्छा, ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये तो है मंशाए रब्बे बिल यकीन, यानी मेरे रब की ये मंशा है और यकीन से मैं बात कर रहा हूं। बल्कि एक जगह तो उन्होंने ये फरमाया कि कहते हैं, मैं अलख नगरी में, मुमताज मुफ्ती अलख नगरी में बाबा जी को कोट करते हुए सूफी बरकत अली साहब को कहते हैं कि लोगों जान लो कि एक वक्त आने वाला है कि यूएनओ कोई कदम उठाने से पहले पाकिस्तान से पूछेगी क्या मैं ये कदम उठा लूं, उस वक्त हम रुखसत हो चुके होंगे, लेकिन अगर ऐसा न हुआ आके मेरी कब्र पर थूकना। यानी इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो आके मेरी कब्र पर थूकना। मुमताज मुफ्ती इस पर लिखते हैं कि मैं बुजुर्ग के इतने बड़े दावे पर हैरान और परेशान रह गया कि या अल्लाह ये पाकिस्तान क्या शय है, क्यों लोग इसकी अजमत की बातें करते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आखिरी दौर का ये उरूज करना है मुसलमानों का, उसका मरकज पाकिस्तान है। ये 27 रमजान मुबारक को बनने वाला ये मुल्क, जिसके नाम का मतलब मदीना तैयबा है, पाकिस्तान का मतलब जो मदीना तैयबा है, जो मदीना तैयबा सानी है, जो 40-50 लाख शहदा के साय में बनाए, जो अल्लाह ताला के खास करम से कायम किया गया, खास करम से कायम रखा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। इतनी बड़ी रूहानी दुनिया इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए मुतय्यन की गई है, जो फैसले कर दिए गए, अब सिर्फ ये हो रहा है कि कौन खुशनसीब होगा, कौन बदनसीब होगा, कौन इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। खिसाक अहमद साहब इसकी मिसाल सौले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी से देते हैं, फरमाते हैं कि जिस तरह सौले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी मुअज्जज़े से बनी थी, निशानी के तौर पर कायम की गई थी, और जिसने उस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाया उस कौम को तबाह कर दिया गया, और जिसने उस ऊंटनी की इज्जत की अल्लाह ने उसकी हिफाजत की और उसको बचा के रखा, पाकिस्तान सौले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह। खूबसूरत मिसाल दी उन्होंने। और इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नस्लें तबाह बर्बाद, और इस पाकिस्तान की हिफाजत में एक ईंट रखने वालों के 100 गुना माफ, रब ने करम उस पर करना। देखिए, जब बात होती है इतने बड़े बड़े फैसलों की, जब लतफ्ते हन्नल कुस्तुनतुनिया की बिशारत दे दी गई कि कुस्तुनतुनिया लाजमी फतह होगा, वो अमीर भी जन्नती है, वो फौज भी जन्नती है जो उसको कैप्चर करेगी, तो फौज में तो गुनाहगार अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, लेकिन उस जंग में, उस मौके पे, उस जिहाद में शरीक होने की वजह से सारे गुनाह मख़फ़ूर अल्लाह ताला की तरफ से, कि मिशन बहुत बड़ा है। इसी तरह ग़ज़वा हिंद के हवाले से फरमाया, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं पाकिस्तान बनने के बाद, चाहे वो 1948 की कश्मीर की जंग हो, चाहे हमारा 65 की वॉर हो, चाहे 62 का रन ऑफ कच्छ का मार्का हो, चाहे 71 में हमारा क्राइसिस हो, फिर कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो, फिर आंधा आने लाइन ऑफ कंट्रोल की झड़पें हो, एवरीथिंग हो रहा है, ये ग़ज़वा हिंद की तैयारी है। इसमें शरीक होना, इसमें अजर हासिल। उलमा की तो ये भी राय है कि हिंदुस्तान से हर जंग करना ग़ज़वा हिंद का अजर रखती है।
एवरी इंगेजमेंट विद द इंडियंस विद द हिंदू जायनस, क्योंकि ये इवेंट्स एक्चुअली जा उसकी तरफ रहे। तो हमारे वो तमाम सिपाही और फौजी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज खड़े हैं, वो गजवा हिंद में शरीक है। हमारे वो तमाम सोल्जर्स, जो तमाम हमारे F-16 फाइटर पायलट, हमारे वो सबमरीन के हमारे क्रू August 19 के जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, वो गजवा हिंद में शरीक है। वो तैयारी कर रहे हैं उस बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए, उस बड़े शोडाउन के लिए जिसने आना है। उस गैर खुशनसीबी को तो देखो कि जो इस पाकिस्तान के नसीब में दे दी गई है और हमारी आर्म फोर्सेज को दे दी गई है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इस आर्म फोर्सेज से अल्लाह कितना बड़ा काम लेने जाएगा। वजह हम आपको एक वाकया और सुनाते हैं। देखिए, इससे पहले मुमताज मुफ्ती अलख नगरी में, तो इस तरह की अलख नगरी में तो मुमताज मुफ्ती ने कमाल ही कर दिया है। मतलब वो एक ऐसी दुनिया को, मुमताज मुफ्ती की ड्यूटी कुछ लगी थी, कुछ चार पांच दोस्त थे, अशफाक अहमद साहब थे, कुदरतुल्ला शहाब थे, मुमताज मुफ्ती थे, वासिफ अली वासिफ थे, इब्न इंशा थे। सही। इसमें इब्न इंशा तो चुप रहे, वो तो इंशा जी उठो अब पूछ करो शहर में जी को लगाना क्या पे, उन्होंने अपने आप को छुपा गए। बिल्कुल, थे बड़े होशियार लेकिन छुपा गए। ओके। लेकिन मुमताज मुफ्ती, अशफाक अहमद और कुदरतुल्ला शहाब और इनके साथ जो खातून है बानो कुदसिया, ये राजदार लोग हैं, पुलिसदार लोग हैं, इनकी ड्यूटियां लगी। इसमें से सारे गुजर चुके हैं, बानो कुदसिया बाकी हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और ये राजदार लोग अल्लाह ताला के उन राजों को इम्प्लीमेंट भी करते थे, बयान भी करते थे। कुदरतुल्ला शहाब की इतनी बड़ी ड्यूटी थी, अशफाक अहमद साहब की इज्जत कौन नहीं जानता इस माशरे में। अशफाक अहमद साहब कुदरतुल्ला शहाब की कितनी इज्जत करते थे, इससे अंदाजा लगाइए कि हर 15 दिन के बाद लाहौर से चलते थे रावलपिंडी आके कुदरतुल्ला शहाब के पांव के नाखून काटते थे। सर, दिस इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दीज टू फ्रेंड्स हैड विद ईच अदर, ट्रूली अमेजिंग। अशफाक अहमद साहब कुदरतुल्ला शहाब के पांव के नाखून काटते थे आके, ये रिस्पेक्ट लेवल है बिल्कुल। इसलिए कुदरतुल्ला शहाब की जो रूहानी ड्यूटी थी, वो अशफाक अहमद राजदार थे उसके, और मुमताज मुफ्ती भी। मुमताज मुफ्ती की किताब अलख नगरी और लब्बैक दो किताबें पढ़ने वाली किताब है, जिसमें इन्होंने राज खोल के रख दिया। अगर आपने कुदरतुल्ला शहाब का असल राज देखना है तो बानो कुदसिया की किताब मर्द अब्रेशम देखिए। मर्द अब्रेशम बानो कुदसिया ने किताब लिखी है, अ फैसिनेटिंग बुक, जो कि कुदरतुल्ला शहाब के राज खोलती है। ये आपको मालूम होगा कि ये दुनिया के लोग खत्म नहीं होते, आज इनके यूनिफॉर्म बदले हुए हैं। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, तो ये सारे दुनिया में फैले हुए लोग हैं, ये आपके आसपास हैं, तलाश करने पड़ते हैं, इनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। अलख नगरी में मुमताज मुफ्ती बड़ा खूबसूरत फैसिनेटिंग एक वाक्य लिखते हैं, हम पढ़ के सुनाते हैं। मुमताज मुफ्ती अतिया नामी एक औरत के बारे में लिखते हैं कि इंतहाई नेक पढ़ी लिखी पाकीजा खातून को आने वाले आलात के बारे में इल्हाम हो जाया करता था। सीर थी, आगे वाले आलात को देखती थी, जिस तरह अल्लामा इकबाल सीर थे उसी तरह ही अतिया के बारे में। एक दिन अतिया बड़े मूड में थी, कहने लगी कि पूरे आसमानों पर चिरागा हैं, खुशियां मनाई चली जा रही हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं और मुसलमानों के उरूज और तरक्की का दौर शुरू हो चुका है। और ये दौर, ये बात जो कर रही है 1971 से पहले का है, यानी ये वाक्य जो लिखा गया 71 से पहले का। इस्लाम के नशत सानिया का दौर होने वाला है, अर्श और फर्श एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, पाकिस्तान इस दौर का गहवारा होगा, मरकज पाकिस्तान बनेगा। अतिया कहती है कि मैं देख रही हूं कि सदर पाकिस्तान की कुर्सी खाली पड़ी है और वहां एक काला झंडा लगा हुआ है, जो शख्स उसकी जगह लेगा वो बहुत सख्तगीर आदमी होगा, उसकी दाढ़ी है, आंखें सब्ज हैं, मैं देख रही हूं कि खूनी जंग होगी, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा, कश्मीर हमें मिल जाएगा, पाकिस्तान के इलाके में वसत होगी, हम दिल्ली पर काबिज हो जाएंगे। फिर अतिया कहती है कि नशत सानिया की बात तो होकर रहेगी, आज हो या 40 साल बाद हो, पाकिस्तान इस उरूज का मरकज है। अलख नगरी में मुमताज मुफ्ती इस पूरे गुफ्तगू को कोट करते हैं। सही। और देन अगेन एक वाकया इसी हवाले से, मुमताज मुफ्ती और कुदरतुल्ला शहाब का, जो मुमताज मुफ्ती अगेन कोट करते हैं कि एक मरतबा कुदरतुल्ला शहाब को हॉलैंड पोस्ट कर दिया गया था एज एन एम्बेसडर। तो हॉलैंड से जब वापस आते हैं तो मुमताज मुफ्ती से कहते हैं कि हजरत इस्लामाबाद के पास हजरत बरी इमाम के मजार पर हमने फातिहा पढ़ने के लिए जाना। तो मुमताज मुफ्ती हैरान होकर पूछते हैं कि पहले तो यहां आप कभी नहीं गए, क्या राज है? कहने लगे कि मैंने हॉलैंड की लाइब्रेरी में एक किताब देखी जो हजरत बरी इमाम के बारे में लिखी हुई या उनके ऊपर लिखी, इन्होंने लिखी हुई है, एक हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन मखतूता है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें हजरत बरी इमाम ने यह फरमाया था कि जिस जगह हम अपना मरकज बना रहे हैं, यहां पर आने वाले वक्तों में एक बड़ा शहर आबाद होगा, हमारे इलाके में एक इस्लामी शहर आबाद होगा जो दुनिया के इस्लामी मुल्कों का मरकज बनेगा। हजरत बरी इमाम तकरीबन 1750-1760 के हैं, 250 साल तकरीबन उनको हो गए, और उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी कि आज हम जहां पे अपना मरकज बना रहे हैं और आज उनका जो मजार है प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर के पीछे है बिल्कुल, और इस्लामाबाद के बिल्कुल कल्ब में पूरा पाकिस्तान जहां से कंट्रोल होता है उसके पीछे हजरत बरी इमाम की अपनी सीट है। और
ये बात कुदरतुल्ला शहाब ने मुमताज मुफ्ती को बताई और मुमताज मुफ्ती ने अलग नगरी में इसको कोर्ट भी किया। पाकिस्तान के बनने की खुशखबरियां कई सौ साल पहले आ चुकी थी। कितने सारे लोगों ने दी है और एक नहीं है। हम ये बात इसीलिए आपको कोट कर रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि ये बात सिर्फ हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने नहीं की है। हर दौर में अल्लाह के वलियों ने, फकीरों ने, मुख्तलिफ जगहों पर जिनको साहब बसीरत साहब नजर दी, एक ही बात की है कि पाकिस्तान अल्लाह के नूर का, अल्लाह की बरकतों का मरकज बनने जा रहा है, मुसलमानों के उरूज का बेसिस होगा, जो राइज करेगा मुसलमानों के जाह जलाल की नुमाइंदगी करता हुआ। हम इंडिया भी कैप्चर करेंगे, शोकोहित तुर्कमानी जहन हिंदी और नुत अराबी भी हमें मिलेगा और लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, उसका मरकज भी ये मुल्क बनने जा रहा है। हजरत महाजर मक्की का एक वाक्य 1857 का वाक्य हमने अपनी सीरीज में पहले भी सुनाया है कि नेमतुल्लाह शाह हजरत महाजर मक्की के जो खलीफा थे हजरत अब्दुल महबूद, जिनके जो 162 साल की उम्र में जिन्होंने इंतकाल फरमाया था, 1857 की जंग आजादी के मौके पर हजरत महाजर मक्की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग के दौरान इस्लामिक स्टेट कायम भी कर ली थी लेकिन अंग्रेजों ने फिर उसको कब्जा कर लिया, और हजरत महाजर मक्की को गिरफ्तार जब कर लिया गया तो उस वक्त उनको खुशखबरी दी गई थी कि जो हालात आप देख रहे हैं फिक्र न कीजिए, 90 साल के बाद जो पौधा आपने लगाया है उसमें फल फूल फूटने लगेंगे, फूल इसमें निकलेंगे और 90 साल के बाद आपको अपने इस सारे मिशन की ताबीर नजर आएगी जो अल्लाह ने कबूल कर लिया, बट यू विल सी इट आफ्टर 90 ईयर्स, जो पाकिस्तान 1947 में जो बनता है। और इस बात की गवाही हजरत अब्दुल महबूद साहब ने दी है, अब्दुल महबूद साहब जो अभी इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में कुदरतुल्लाह शाह की कब्र के पीछे दफन है और उनकी कब्र पे लिखा है 162 साल उम्र, और जिन्होंने 70 से ज्यादा हज किए थे और आज भी उनके खुलफा, उनके 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 मुरीद और उनसे मोहब्बत और ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद जिंदा हैं, जो एनी गवाह हैं इन सारी वाकयात के, और हमारी बातें भी होती हैं, रबते भी हैं, उनसे ताल्लुक भी है, लोग अपने वाकयात भी सुनाते हैं जो किताबों में भी नहीं लिखे गए लेकिन लोगों के सीनों में है और लोग हमें उन वाकयात को सुनाते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों ने ये सारी खुशखबरियां और बिशारतें बहुत पहले दी थी। हजरत शाह वलीउल्लाह ने, शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अपनी किताब फ्यूजुल हरमैन में दर्ज किया है कि मुसलमान इंडिया को दोबारा फतह कर लेंगे, शाह वलीउल्लाह 1757 की किताब उसी दौर में। फिर एक और बुजुर्ग सैयद जौकी शाह साहब ने अपनी किताब तरबियतुल उशाक में तहरीर किया है कि मुसलमान इंडिया को यकीनन दोबारा फतह कर लेंगे लेकिन इस फतह से पहले इनको सख्त इम्तहानात से, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, दिस ब्रिंग्स अस टू दी कंक्लूजन, द अल्टीमेट कंक्लूजन। यहां पर भी हम कुदरतुल्लाह शाह को कोट करेंगे। पाकिस्तान आज जो मुल्क है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ ये किया जा रहा है कि हम अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पे खर्च कर रहे हैं, स्टेट करा देने, डिफेंस का बजट खत्म कर देना चाहिए, फौज को तोड़ देना चाहिए, छोटा कर देना चाहिए, फौज बजट खा जाती है, ये सारी बातें हमारे ऊपर खुराफात मुसल्लत करने की मैसिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, फौज करप्ट है, फौज के इदारे खराब है। अब हम आपको एक वाक्य सुनाते हैं, यह कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा में लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट दिस है। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि 1959 में, डेट याद रखिएगा, 1959 में जब मैं यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डायरेक्टर था तो मेरे मरासे में एक साहब से हो गए जो मशरकी यूरोप के बाशिंदे थे, उनका मुल्क रूस के हल्का इकतदार में जकड़ा हुआ था, वो उस बात पर सख्त नाराज थे, ईस्टर्न यूरोप का कोई साहब था, अंग्रेज ईसाई होगा जाहिर है, उसने कुदरतुल्लाह शहाब पे कहा कि गो के रूस और अमरीका एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन बाज बातों में अपने मफाद की खातिर दोनों एक ही पॉलिसीज इख्तियार कर लेते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं। कुदरतुल्लाह शाह ने पूछा मसलन, उन्होंने कहा मसलन पाकिस्तान। मेरी दरखास्त पर उन्होंने वजाहत की, कुदरतुल्लाह ने जब उनसे पूछा तो वजाहत करते हैं, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज का शुमार दुनिया की आला तरीन अफवाज में होता है, ये हकीकत ना रूस को पसंद है ना अमरीका को, रूस की नजर अफगानिस्तान के अलावा भूरे अरब की जानिब भी है। याद रखिए 1959 की बात हो रही है, 79 में सोवियत इन्वेजन होती है और वो बिल्कुल अफगानिस्तान से वॉर्म वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, 20 साल पहले ये बातें सबको पता थी कि पूरा गेम प्लान क्या बिल्ट हो रहा है। इसके अलावा रूस को भारत की खुशनुदी भी हासिल करना जरूरी है, इन तीनों मकासद की राह में जो चीज हायल है वो पाकिस्तान की फौज है, याद रखिएगा, ये ईस्ट यूरोपियन 1959 में कह रहा है कि पूरी दुनिया के कुफर को, चाहे वो रूस हो, अमेरिकन हो, इंडियंस हो, इसराइलीज हो, उनकी राह में अगर कोई रुकावट है, हम डिस्कस कर सकते हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल पोटेंशियल, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज इस वक्त मिडल ईस्ट में भी हमारी वजह से अमन और इस्तेकाम है और इस खत्ते में भी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी खत्ते में, अगर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज को आप निकाल देते हैं तो उसके बाद ना इसराइल को कोई रोकने वाला है ना हिंदुस्तान को रोकने वाला। 1959 में ईस्ट यूरोपियन है, वो कहता है अमरीका का मकसद मुख्तलिफ है, अमरीका की असल और बुनियादी वफादारी इसराइल के साथ है, ये भी सब जानते हैं कि अगर किसी वक्त इस्लामी सतह पर जहाद का फतवा जारी हो गया और तो पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो जहां की मुसल्ला अफवाज और निहत्ती आबादी मजीद किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर जहाद से सरशार होकर इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी होगी। याद रखिए ये बात ईस्ट यूरोपियन कह रहा है 1959 में कुदरतुल्लाह शहाब को,
उनको पता है कि पाकिस्तानी फौज और कौम का पोटेंशियल क्या है, कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा दुनिया में अगर कोई है तो पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तानी नेवी है, पाकिस्तानी कौम है। आलम इस्लाम अपनी तमाम तर आलम इस्लाम ने अपनी तमाम तर फसाद और रिश्तेदारियों के बावजूद अमरीका यह खतरा मोल नहीं लेना चाहता कि कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान जैसा बाकी बच जाए। इसके अलावा रूस की तरह अमरीका भी भारत की खैर सगाली और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करना चाहता है। 59 में जब इंडिया पूरी तरह रूसी कैंप में था उस वक्त की बात कही जा रही है कि अल्टीमेटली अमेरिकन कोशिश करेंगे कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें, जो आज देख रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज रूस अमरीका और भारत की आंखों में खटकती रहती हैं, इसलिए तुम्हारी फौज को कमजोर करना इन तीनों मुल्कों का बुनियादी नस्बुल ऐन है। कुदरतुल्ला शहाब को यह बात 1959 में ईस्ट यूरोपियन बता रहा है। इस बात को जहन में रखो कि तुम्हारी मुसल्ला अफवाज को कमजोर करने के लिए हर किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे, असला भी रोकेंगे, मुल्क के अंदर भी पॉलिसी जैसे बनाएंगे, डिस इन्फॉर्मेशन झूठ भी फैलाएंगे। ऐसी जारी है। फिर इन साहब ने कहा, कुदरतुल्ला शहाब से कहा कि पाकिस्तान में इस्लाम का अगर फरोग होता है तो इसका फायदा दुनिया को होगा, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को भी रूस की कैद से निकलने में आसानी रहेगी। यानी इस्लाम ही एक फोर्स है और ये 1979 के बाद की जंग ने दिखा दिया कि मुसलमान मुजाहिदीन नहीं सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े किए। लिहाजा कुदरतुल्ला यहां लिखते हैं कि हमको यहां पर जज्बाए हुब्बुल वतनी नहीं चाहिए, हमको यहां पर एक जुनून चाहिए, इश्क चाहिए, एक दीवानगी चाहिए। और इसी में पाकिस्तान की सलामती छुपी हुई है। देखिए हम यहां पर अपने इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि कुदरतुल्ला 1959 में जो बात कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इसके दिफा के लिए एक इश्क और एक जुनून की जरूरत है। यही हमारा स्लोगन भी है, पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून। हमने ये जो सारी डायमेंशन डिस्कस की, हमने जियोपॉलिटिक्स भी डिस्कस की, हमने हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव भी डिस्कस किया, हमने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी ली और तमाम बुजुर्गों से ली, सिर्फ एक सोर्स को नहीं लिया, अहदीस मुबारका से शुरू करके आज के दौर के जो फकरा और औलिया और बुजुर्ग अल्लाह के साहिब बसीरत अफराद, उन तमाम ने जो कुछ कहा है पाकिस्तान के हवाले से, हमने उसका एक टुकड़ा इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया। अब ये बात बिल्कुल वाजह है कि अल्लाह ने एक शानदार तकदीर हमारी लिखी हुई है, एक हिस्टोरिक मोमेंट, एक मेमथ प्रोपोर्शन में तारीख लिखी जा रही है, एक अमेजिंग डायनेमिक्स हैं जो फोर्सेस हैं शिफ्ट की जा रही है कायनात में, एक नए दौर का आगाज हो रहा है। अल्लामा इकबाल उसकी बिशारत देने के लिए आए थे, अल्लामा इकबाल उसकी खुशखबरी देने के लिए आए थे, उन्होंने बुनियाद मुतय्यन की थी और आने वाले दौर की डायरेक्शन सिमत और आइडियोलॉजी दी थी, पाकिस्तान बनाया, कायद आजम दिए, उम्मत को बेदार किया। उनका कलाम आज भी इस उम्मत को रिवाइव करेगा उरूज पर ले जाने के लिए, वो हमारा एक अलग मिशन है जिसको हम साथ लेकर चल रहे हैं, इकबाल की आइडियोलॉजी को रिवाइव करना। लेकिन आप जब तक के पाकिस्तान के रोल को नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे कि कयामत तक की आने वाली दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया, इस मुल्क, ये मुल्क सेक्रेड है, ये मदीना है, इस मुल्क के खातिर जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करना सस्ता सौदा है, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और ये भी बात वाज है कि इस मुल्क में आला तरीन शानदार क्यादत आने वाली है। ये जो हुक्मरान या वो लोग जो इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, या अपना पेट भरने के लिए, अपनी शहवत के लिए, या अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए इस मुल्क को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बदनसीब लोग हैं, ये तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। इनमें अगर जरा भी होश है तो तौबा करें, इस सोले अलैहिस्सलाम की उठनी को नुकसान न पहुंचाए, वरना इनको रोन दिया जाएगा उसी तरह जिस तरह सोले अलैहिस्सलाम की कौम के उन अफराद को रोंदा गया था जिन्होंने इस उठनी को नुकसान पहुंचाया। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर है और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे कि जो इस पाकिस्तान की हिफाजत में, इसके दिफा में जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करने वाले हैं, जो गज़वा हिंद में जिनका नाम लिखा जाएगा, जो हुजूर की बिशारत के मुताबिक शहीद होंगे तो अफ़ज़लुश शुहदा होंगे और अगर बच गए तो जहन्नम की आग से आजाद गाजी होंगे, इंशाअल्लाह ये हमारा नसीब है। बहुत शुक्रिया जैद साहब। आई थिंक आज जितनी भी बातें हमने डिस्कस की है वो इतनी पॉजिटिव हैं कि एक वो पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव इमेज, स्पेशली जो यूथ को एक वो नेगेटिव कर दिया जाता है, वो जहन से आज निकल गया मेरे ख्याल से। एंड दिस इज सो फैसिनेटिंग, इवन आई माई सेल्फ फील लाइक यू नो बिकम अ पार्ट ऑफ गज़वा हिंद। थैंक यू सो वेरी मच जैद साहब। व्यूअर्स, आई होप कि आपके लिए आज का ये प्रोग्राम जो है बहुत फैसिनेटिंग होगा। हमने इसमें बहुत सारे वाकयात पूरे सिलसिले में डिस्कस किए नेमतुल्लाह शाह वली के, स्पेशली यूथ को मैं कहूंगी कि पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की तारीख, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, लिखी जा चुकी है। अपने आपको इस सुनहरे मुस्तकबिल का हिस्सा बनाइए। इंशाल्लाह ब्रास टेक में अगले मजीद सिलसिले जो है उनका आगाज करेंगे, वो क्या होंगे वो एक छोटा सा हम सीक्रेट रखते हैं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में उसके ऊपर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।